हेलो फ्रेंड, योर कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको टैली में रिसीव्ड वाउचर और पेमेंट वाउचर की एंट्री प्लस थ्योरी दोनों बताया था, प्रैक्टिकल में भी बताया था आपको और थ्योरी दोनों में। तो आज मैं यहां पे आपको बताना वाला हूं कि डेबिट नोट में टैली में कैसे एंट्री किया जाता है। पूरा लेक्चर थ्योरिकल रहेगा। अगले वीडियो में आपको मैं इसका प्रैक्टिकल बता दूंगा, कंप्यूटर में आपको कंप्यूटराइज वाला आपको वीडियो दे दूंगा कि आपको कैसे एंट्री करना है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताऊंगा कि आपको डेबिट नोट का फीचर कैसे एनेबल करना होता है, डेबिट नोट को एंट्री करने के लिए आपको कौन कौन सा लेजर क्रिएट करना होता है, ठीक, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं डेबिट नोट, डेबिट नोट वाउचर। वाउचर, ठीक, डेबिट नोट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस F9 होती है। क्या होती है? F9। इसको डेबिट नोट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वस्तु आप परचेस करते हो, क्या करते हो? परचेस करते हो, परचेस किया हुआ प्रोडक्ट क्या करते हो? आप रिटर्न करते हो। परचेस किया हुआ प्रोडक्ट या वस्तु वापस करना, ठीक, वापस। जैसे कि आपने 5 कंप्यूटर क्या किया, 5 कंप्यूटर LG कंपनी के, किसके? LG के आपने परचेस किया, क्या किया? परचेस किया। और इसको आपने परचेस करने के बाद मान लो आपके 3 कंप्यूटर यहाँ पे या 2 कंप्यूटर आपके क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 3 कंप्यूटर को LG कंपनी को यहाँ पे क्या कर दोगे? इसको वापस करोगे, है ना। तो इसकी एंट्री आपको डेबिट नोट वाउचर में करना होता है। लेकिन आपको डेबिट नोट वाउचर क्रिएट करने के लिए कौन सा सेटिंग आपको एनेबल करना होता है, वो बात आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि डेबिट नोट का फीचर आपका क्या हो जाए? एनेबल हो जाए। तो उसके लिए आपको डेबिट नोट एनेबल करने के लिए एनेबल, ठीक है, एनेबल करना, एनेबल कैसे करना है आपको? गेटवे ऑफ टैली में आना है। किसमें? गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको क्या करना है? F11 बटन प्रेस करना है। क्या करना है? F11 बटन प्रेस करना है। जैसे आप गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, F11 बटन प्रेस करोगे, F11 बटन प्रेस करोगे, इसके बाद आपको एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर में। किसमें जाना है? अकाउंटिंग फीचर में जाना है। किसमें? अकाउंटिंग फीचर में जाना है। इसके बाद जैसे आप अकाउंटिंग फीचर में क्लिक करोगे, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड में जाना है। किसमें? राइट साइड में आपको यहाँ मिलेगा यूज डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। क्या मिलेगा? डेबिट एंड क्रेडिट, क्रेडिट नोट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंपल कीबोर्ड से क्या करना है? यस, ठीक। इसके नीचे आपके 2 ऑप्शन और मिलेंगे, डेबिट और क्रेडिट वाले। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, वो 2 ऑप्शन भी क्या करना है? यस करना है। और आपको नीचे एंटर करके क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। इस प्रकार से आपका टैली में डेबिट और क्रेडिट नोट का फीचर एनेबल हो जाता है, ठीक है। एनेबल मतलब चालू हो जाता है। अब आपको एनेबल करने के पश्चात क्या करना होगा? एक लेजर क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा? एंट्री करने के लिए आपको डेबिट की,
डेबिट नोट में एंट्री करने के लिए आपको परचेस रिटर्न की लेजर क्रिएट करना होगा। परचेस रिटर्न रिटर्न की एक लेजर क्रिएट करना होगा। इसके अंडर में आता है आपका परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट आता है, ठीक है। आपको ये लेजर क्रिएट करना है, ठीक। लेजर क्रिएट करने के बाद आपको सीधा जाना है गेटवे ऑफ टैली में और अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। लेजर क्रिएट करने के बाद आपको किस में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर में जैसे आप जाओगे तो आपके पास अकाउंटिंग वाउचर की विंडो खुल जाएगी, ठीक। जैसे आप परचेस की वाउचर की एंट्री करते थे वैसे आपको यहाँ पर खुल जाएगी। आपका यहाँ पे आप देखोगे आप राइट साइड में, तो आपका जो डेबिट और क्रेडिट नोट का फीचर है वो एनेबल हो जाता है, शो करने लगता है। जब आप एनेबल नहीं करते तो आपको यहाँ पे क्या होता है, हाईलाइट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक। तो सबसे पहले एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, डेबिट नोट में डेबिट नोट का फीचर एनेबल करना है। एनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर में जाना है और यूज डेबिट और क्रेडिट नोट वाला फीचर एनेबल करना होता है। एनेबल करने के बाद आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में, किस में आना है, अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक। अकाउंटिंग वाउचर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर की एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। आपके वाउचर ओपन हो जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डेबिट नोट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 बटन प्रेस करना है, क्या करना है, डेबिट नोट ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस F9 बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है। प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे डेबिट नोट, डेबिट नोट का विंडो ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में यहाँ पे क्या भरना होता है, जब आपने परचेस किया था जो प्रोडक्ट आप रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को, तो वहाँ पे आपको एक इनवॉइस मिलता है, तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना है। फिर F2 बटन प्रेस करके आपको वाउचर डेट डालना होता है, क्या, वाउचर डेट डालना है, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कितना, तीन ऑप्शन, कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम का आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे करंट बैलेंस, और तीसरा आ जाएगा परचेस लेजर, परचेस लेजर, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, पार्टी अकाउंट नेम में, जैसे एक एंट्री में बता दूं यहाँ पे कि मैंने बोला डेबिट नोट में क्या एंट्री करना है, मैंने बोला 5 कंप्यूटर, कितने, 5 कंप्यूटर LG कंपनी, 5 कंप्यूटर LG के, LG कंपनी को, कंपनी को वापस किया, क्या किया, वापस किया, ठीक है, मतलब परचेस रिटर्न किया, या मैंने बोला परचेस रिटर्न किया, ठीक। तो वापस जब आप क्या किए थे, मान लो कोई कंप्यूटर आपने 5 या 10 कंप्यूटर जो भी आपने परचेस किया था उसमें से आपके 5 कंप्यूटर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, किसी कारणवश आपके खराब निकल रहे हैं, तो आप जहाँ से परचेस किए थे वहाँ पे आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डेबिट नोट वाउचर का यूज करना होगा, ठीक है। तो आपको पार्टी अकाउंट नेम में क्या करना है, आपकी कंपनी का लेजर लगेगा यहाँ पे, LG कंपनी, LG कंपनी, ठीक। और यहाँ पे आपको उसका करंट बैलेंस शो करेगा क्रेडिट में कि आपको LG कंपनी का कितना चुकाना है, और जो हमने फर्स्ट में परचेस रिटर्न की लेजर क्रिएट किया था वो परचेस रिटर्न की लेजर आपकी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, परचेस लेजर में, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न की लेजर लग जाएगी। इसके बाद आपका आ जाएगा नीचे आइटम कि आप क्या रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला 5 कंप्यूटर, तो आपको क्या करना है यहाँ पे,
कंप्यूटर। स्टॉक आइटम में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर क्वांटिटी 5। जितने का आपने क्या किया था यहाँ पे परचेस किया था वो रेट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने बोला 10,000 का आपने खरीदा था तो यहाँ पे 50,000 का आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं छोड़ना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने परचेस किया था, क्या किया था, परचेस किया था, तो आपको यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस के साथ, मतलब जीएसटी लगा करके आपका प्रोडक्ट मिला था या विदाउट जीएसटी, है ना। जैसे आप विदाउट जीएसटी के भी ले आते हैं इनवॉइस बनवा के, तो वो भी हो जाता है आपके पास। तो यदि आपने जीएसटी लगाया था और जीएसटी लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी लगाने के लिए आपको कीबोर्ड से क्या करना है, स्पेस बटन प्रेस करना है और एंड ऑफ लिस्ट में जाना है। एंड ऑफ लिस्ट में जाओगे और फिर स्पेस बटन दबाओगे तो आपको साइड में क्या हो जाएंगी, जीएसटी की लेजर आ जाएगी। आप यहाँ पे क्या करोगे, जीएसटी लगा सकते हो। जैसे आपका सीजीएसटी कितना लगा और एसजीएसटी कितना लगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा और लास्ट में आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये तो हुआ कि आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हो, परचेस करते हो, उसको आपको क्या करना है, कोई परचेस रिटर्न करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन यदि आपने कहीं पर कैश खरीदा है, क्या किया है, कैश खरीदा है, तब आपका प्रोडक्ट वापस करना है तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो पार्टी अकाउंट का यहाँ पे लेजर होता है, पार्टी अकाउंट लेजर की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कैश का लेजर लगा देना है। किसका, कैश का। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से आप क्या करना, आप डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो कैश का नहीं होता, ज्यादातर आपको क्या करना होता है यहाँ पे कि किसी पार्टी को ही वापस करना होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैश का आपको नहीं करना, कैश का टैली में नहीं होता। यदि आप बोलोगे कि जैसे कैश का लगा रहे हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन वो वर्क नहीं किया जाता, ध्यान रखना। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कैसे किया जाता है। और यदि चैनल में आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।